तो आफ्टर मेजोरिटी सेशन में ट्रेनिंग के बाद ठीक है आप लोग का लेवल हो नहीं भाई इंडस्ट्री में इस लेवल का काम हो गया ठीक है। एफएससी वाले मेरे पास आए तो बात हुई कि सर जी फेडरेशन में कौन सा प्रॉब्लम है, मैं क्या फेडरेशन में कौन सा दबा देता हूँ लेकिन उसकी नेटवर्क की जरूरत पड़ी फेडरेशन का डॉक्टर ले रहा कहते जो हमारे पूरे पाकिस्तान में कहीं ना मिले कहते जी यूजर सिस्टम लॉक हो जाता है ठीक है तो वो क्यों ही ना करे आई डी पे ठीक है उसको खुद से ओ टी पी जनरेट हो जाए वन टाइम पासवर्ड जनरेट हो जाए या कोई इस तरह का मैकेनिज्म कर दीजिए ताकि जो कॉल आती है आई डी पे बार बार ये काम कर देगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे ठीक है उसके बाद है कंप्लीट डीएसपी क्वालिफिकेशन ये नेक्स्ट फेज है इसका पोस्ट डिपार्टमेंट ऊपर फ्लैग हो जाता है पोस्ट डिपार्टमेंट ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और इसको जस्ट कमिट कर पहुंच यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगी ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप है ठीक है नेक्स्ट स्टेप नोट कर दिया ठीक है। इसके बाद आप आ जाए टूल्स में ठीक है टूल्स में आ रहे हो यहाँ पे बीएचपी ओके अच्छा इसमें ऊपर डोमेन आ रही है मतलब कि डोमेन कंट्रोल का नेम आ रहा है dc.com ठीक है नीचे दो तरह के इसमें जो है टाइप नजर आ रहा है कि आईपी फोर है एंड देन आईपी सिक्स है ठीक है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आईपी फोर है तो आईपी फोर अगर सिक्स है तो सिक्स ठीक है सिक्स का पाकिस्तान में नहीं कर पाएगा ठीक है अभी तक तो बेस के अलावा नहीं आ रहा ठीक है। उसके बाद देन इसके अंदर जो है वो मैं इस पर चीजें डिस्कस करता हूँ सिंपल इसमें एक राइट क्लिक करें आईपीवी फोर में जाकर राइट क्लिक करें एंड देन स्कोप स्कोप क्या है पूल एक रेंज है जिसको आप पूल बनाना चाहते हैं जो आप रेंज हाउस यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअस
यदि कोई सोचता है ना उसके आगे कंटिन्यूस तो तब होता है जब वो पार्ट पार्ट के जब साथ जाता है ए बी सी का, अगर तो सामने नहीं हुई थी तो फिर कैसे हो नॉन कंटिन्यूस होता है होता है कंटिन्यूस स्ट्रेट बड़े बिंदु क्या सबनेट मास हमेशा कंटिन्यूस होता है, कभी भी सबनेट मास नॉन कंटिन्यूस नहीं आ सकता। सबनेट मास में एक फॉर्मूला जिंदगी में याद रखते हैं, कभी भी सबनेटिंग में कोई भी मास नहीं खा सकते, एक लाइन का फॉर्मूला। सबनेट मास की अगर इसमें बाजी के शक्ल निकालो ना ये टू डबल फाइव की, तो क्या निकल गई तीनों ऑप्शन में वन लास्ट ऑप्शन जीरो आ रहा ठीक है। सबनेट मास में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, अगर वो पार्ट फॉर्ड लिखा हुआ तो आसानी वन जीरो, अगर सबनेटिंग हुई है सबनेटिंग हुई है तो आपको पता है डेफिनेटली बाकी बेशक हम सी का यूज कर रहे हो सकता है कि सबनेट मास में उससे ऊपर भी जा सकते हैं, उससे नीचे भी जा सकते हैं, डिपेंड करते हैं कितनी रेंज हमारे वहाँ पे नॉस में आया ठीक है। उसमें क्या है, उसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, कंटिन्यूस का वर्ड हमने यूज किया वन वन, अगर आ रहा है वन क्या, अगर एक भी जीरो हो गया ओनली वन जीरो तो जीरो चलेगा, जीरो वन नहीं आ सकता। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन में अगर एक वैल्यू लिखी वन टू एट डॉट जीरो डॉट जीरो जीरो ठीक है, गलत है। अगर उसकी बाजी निकालें फर्स्ट क्या है वन, अगर एक भी मैंने जीरो फर्स्ट ऑप्शन भी है, अगर एक भी जीरो ऐड होता है तो रिमेनिंग तीनों तीनों ऑप्शन में क्या बनेगा जीरो, उसमें ऐसा कभी भी नहीं होगा वन जीरो वन कभी भी नहीं, जीरो आ गया तो जीरो ही रहेगा, कौन है जीरो है ना, जीरो लास्ट नंबर की अगर है तो क्या होगा जीरो लास्ट में, मतलब कि ये देखो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, अगर